समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या, आइए नजर डालते हैं। कोतवाली क्षेत्र में संडीला मार्ग स्थित ग्राम शीतलगंज तराहे के निकट तेज रफ्तार डंपर ने पैदल ईंट भट्टे पर जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल अवस्था में उसे यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने के बाद चालक डंपर सहित भाग निकला। ग्राम शीतलगंज निवासी नेकराम उम्र 22 वर्ष पुत्र खुशीलाल क्षेत्र के संडीला मार्ग स्थित एक ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में कच्ची ईंटें लोड करने और उतारने का काम करता था। आज मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे नेकराम मजदूरी करने भट्टे पर पैदल जा रहा था, तभी रास्ते में संडीला मार्ग पर समा ब्रेक फील्ड के सामने अचानक तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने मजदूर के जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नेकराम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन आनंद फानन में घायल को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने के बाद चालक डंपर सहित भाग निकला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने नेकराम की मौत को संदिग्ध बता रहे। परिजनों के अनुसार बताए गए घटना स्थल पर कहीं खून दिखाई नहीं पड़ा है, घटना की जांच आवश्यक है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक का विवाह अभी करीब 1 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी 8 माह की पुत्री रूपा है। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। नेकराम की अचानक मौत से उसकी पत्नी सीमा अपने पति का शव देखते ही दहाड़े मारकर वलाप करने लगी कि अब अबोध बच्ची की परवरिश आखिर कैसे होगी। कमाऊ पुत्र की अचानक मौत से मां, राम बेटी और दोनों भाई सुनील व अंकित का रो रो कर बुरा हाल है। आरपीएस समाचार से जमीर खान की रिपोर्ट।